ही गना राइड माई बाइक अन द मोटो ब्लॉग पनि गर्छ रे। तो चलते हैं। Alright guys, good morning, welcome back to the channel. My name is Mansoor and you're watching Pistol and Rider. So today's vlog gonna be very interesting because I'm gonna take lots of cinematics. Yeah, so aaj cinematic kind of cinematic vlog hone wala hai, chhota sa rakunga, I think 4-5 minutes ka, dekhte hai, that depends. एक्चुअली मैं एक जगह में जाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। और मेरा जो ड्रोन है वो भी काफी दिनों से पड़ा हुआ है तो उसको भी यूज करेंगे। ज्यादा पड़ा रखने से खराब होने का चांसेस रहता है तो अभी जल्दी जल्दी जाएंगे उसको यूज करेंगे। छोटा मोटा मतलब सिनेमेटिक्स भी लेंगे वहाँ पे जाके। और वेदर जो है बाहर थोड़ा सा फॉगी फॉगी काइंड ऑफ है लेकिन देखते हैं नीचे जाके थोड़ा क्लियर हो सकता है। एंड आज आपका भाई एक रील भी शूट करेगा जो कि काफी डिमांड में था, मतलब 2-3 सब्सक्राइबर्स मुझे डीएम किए थे इंस्टाग्राम पे, वो भी बनाएंगे। जोश तो दिख ही रहा है आप लोगों को, रियली एक्साइटेड। तो आज मेरे साथ जो है एक ब्रदर भी जाने वाला है, दीपेन ब्रो, जो कि हमारा धनी बाइक का मालिक है इधर में हिमालयन का। वो जो है आज नीचे रोड में जाके सीखने वाला भी है बाइक चलाना, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करेगा और अपन रील वील भी बनाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। रेडी, लेट्स गो। सो आई एम गोना राइड हिमालयन अगेन टुडे। एक्चुअली मेरे साथ इसका ओनर भी जा रहा है, मतलब उनको हाईवे में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो नीचे जो खुला रास्ता है वहाँ तक मैं लेके जाने वाला हूँ। हिमालयन में बसता ही खेरी नहीं धनी फील हुन्छ मलाई। ऑलराइट गाइस, सो अपन निकल चुका है, बारिश भी थोड़ा बहुत हो रहा है, आई होप नीचे जाके स्टॉप हो जाएगा बारिश। 4-5 दिन से कंटिन्यूअसली बारिश ही हो रहा है यार, और इसके वजह से जो कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है और डर भी लगता है बिकॉज लैंडस्लाइड्स काफी ज्यादा हो रहा है आजकल। और आप लोग भी अगर बाहर कहीं पे जा रहे हैं बाइक पे या गाड़ी पे कहीं पे भी तो थोड़ा ध्यान होके ही जाइएगा। एक्चुअली मेरा लेंस में आ गया था फॉग तो आई हैड टू क्लीन इट। वेदर की वजह से ना काफ़ी फॉग आ रहा है यार आजकल। सब लोग पूछ रहे थे कि लॉन्ग राइड्स कब आएगा कब आएगा, वो भी आएगा, मतलब अभी फिलहाल 1-2 दिन बारिश की वजह से मैं रिक्स नहीं ले रहा हूँ बाहर जाने का क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह आपको तो पता ही है अचानक से हो रहा है। और बारिश में मतलब कैमरा वैमरा लगा के ब्लॉग बनाना मतलब थोड़ा काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी अगर बारिश वगैरह रुक गए ना तो अपन निकल जाएगा लॉन्ग राइड्स के लिए, देखते हैं हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, राइट नाउ आई एम इन अदमपुर और यहाँ पे मेरा ब्रदर भी है मकसूद, जो कि पहले एक बार आपने देखा होगा मेरा बाइक चलाया था। तो आई थिंक आज भी वो थोड़े देर के लिए चलाने वाला है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे पूरा खाली है, एजेंसी मतलब कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्राई करने वाला है एंड इट्स रेनिंग ओवर हियर। और मैंने रील का जो शॉट है वो भी ले चुका हूँ और यहाँ ड्रोन शॉट्स काफी अच्छे अच्छे आया है, आई होप यू गाइज गोना लाइक इट। अनि मेरे च्यानलमा आएर कस्तो फिल भइरहेछ त? खुसी लाग्यो, आज बाइक कुदाउनु पाउँछ तैँले? कसरी कन्फिडेन्ट छ त अन्त? सिधा रोड छ, कुदाउँछ है। ल यी गर्न राइड माई बाइक अन्त मोटो ब्लग पनि गर्छ अरे, देख्दै कैसा करता है बच्चे लोग आजकल, ल बहुत साथ होता है। तो एनीवेज अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे 1-2 शॉर्ट्स आपको दिखाऊंगा जो कि यहाँ काफी एन्जॉय करने वाले हो। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माई ब्रदर्स चैनल पिस्टन राइडर। तो आज मैं ब्रदर का निंजा चलाने वाला हूँ क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सीधा है, तो चलते हैं। मैं आस्ते चलाता हूँ। तो मज़ा आ रहा है अभी चलाने में बाइक, थोड़ी देर के लिए दिया था, आप मेरे को कमेंट में हेट कमेंट मत करना, इधर ही चला सकता हूँ अदमपुर में क्योंकि इधर पूरा खाली रहता है। आप भी आ सकते हैं इधर सीखने के लिए, बाइक बाइक गाड़ी दोनों। फिर ऊपर जाने वाला हूँ, और
और चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना। तो मैं इधर घुमाता हूँ, फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है बाइक का, नीचे चलते हैं। वैसे ही मैं 30-40 का स्पीड में चला रहा हूँ, अभी पानी पड़ रहा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। के बने के बने बने लो कस्तो के को राम्रो भन्यो कस्तो लाग्यो चला रहा कैसा लगा बाइक चला के? बहुत मजा है, बहुत दिन के बाद मुझे चला था। इससे पहले भी चुरा के चलाता था? नहीं नहीं, कभी कभी उधर थोड़े नीचे चिकन लेने जाता था, डायरेक्ट 300 cc में मजा आया। पावर बोट है, पावर बोट है। ल अब यहाँ देखि तल लै जाओ, फिर तल आउँदा स्लोमा आइजा ल। मूविंग बैक टू होम नाउ बिकॉज इट्स स्टार्टेड रेनिंग हैविली और हमारा दीपेन ब्रो भी हमारे पीछे पीछे प्रैक्टिस करते करते आएंगे। तो चलो ऑलराइट गाइस, फाइनली रूम पहुंच चुके हैं एंड काफी मजा आया आज। ओए कैसा लगा तलाई यहीं? मजा आया दीपेन ला कस्तो भयो आज? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड